तकलीफ होगी, ये काम करो अल्लाह ताला नजर से हमें निजात अता फरमाएगा इंशाल्लाह। क्या करेंगे तो अल्लाह ताला हमें निजात अता फरमाएगा। सबसे पहली चीज, अल्लाह मुझे और आपको और हर मुसलमान को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। फजर की नमाज जमात से पढ़ो, ये होता नहीं मौली साहब, हमला ये छोड़ को दूसरा बोलो, फजर की नमाज जमात से पढ़ो। क्यों क्यों, क्या मिलेगा जमात से? बड़े बड़े वादे, मैं इससे पहले फजर के बारे में पूरा एक दर्स दिया हूं मैं, बड़े बड़े वादे लोग करते हैं सुभान अल्लाह, मगर फजर नहीं पढ़ते। किसी मस्जिद की असल जमात देखना है तो फजर में देखो, किसी मस्जिद की असल जमात देखना है। लोग बोलते हैं लोग बस नहीं आ रहे हैं, बाहर खड़े हुए हैं, और एक्सटेंशन की जरूरत है। फजर में कितने हैं? फजर में जितने हैं इसलिए कि उन्हीं फजर के मुसल्लियों की गवाही फरिश्ते अल्लाह के पास देंगे, अल्लाह अकबर। जहर में नहीं, असर में नहीं, हाँ असर में है, मगरिब में नहीं, ईशा में नहीं, फरिश्ते आते हैं और जाकर अल्लाह को गवाही देते हैं अल्लाह के पास, ये इतने मुसल्ली फजर में थे। फजर पढ़ेंगे क्या मिलेगा मालूम? एक लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है, ये जुमा से ये लफ्ज लेके उठो यहां से इंशाल्लाह। फी जिम्मतिल्लाह, जो फजर पढ़ता है वो अल्लाह के जिम्मे में आ जाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह उसे अपने जिम्मे में ले लेता है। और जिसे अल्लाह अपने जिम्मे में ले ले, ना उसे नजर लगेगी, ना उसे जादू लगेगा, ना कोई इंसान उसे तकलीफ पहुंचा पाएगा, अल्लाह ने उसे अपनी पनाह में ले लिया है, अल्लाह अकबर। अल्लाह के लिए फजर पढ़ो मेरे भाई, अल्लाह के लिए फजर पढ़ो मेरे भाई। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर कहता है जी मुसलमानों से डरने की जरूरत नहीं जब तक के मुसलमान जुमा की तरह फजर में ना आने लगे। जिस दिन वो फजर में जुमा की तरह आएंगे ना, समझ लो ये जाग चुके हैं, अल्लाह अकबर। फजर पढ़ो, ये पहला तरीका है, फजर पढ़कर बैठो उसी जगह पर। कुछ लोगों को मैं देखता हूं मेरे भाइयों को, नमाज होते ही हमारा दूसरा सलाम भी नहीं फिरता, ये गाड़ी के पास खड़े रहते हैं, जाते भी नहीं घर को, जाते भी एक घंटे तक वहीं खड़े रहेंगे, वहीं बातें करते रहेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जगह पर तुमने नमाज पढ़ी है उसी जगह बैठो, अल्लाह अकबर। क्या मिलेगा? हटना नहीं, उसी जगह पर आपने जहां नमाज पढ़ी है वहीं बैठने से क्या मिलेगा? मादाम फी मुसल्ला, ये नबी के अल्फाज हैं, मादाम फी मुसल्ला, जब तक वो अपने मुसल्ले में बैठा है जहां उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, अल्लाहुम्म अग़फिर लहू, अल्लाहुम्म अरहमहू, अल्लाह इस पे तो रहम फरमा, अल्लाह तो इसके गुनाहों को माफ फरमा। आप जितनी देर वहां बैठे रहेंगे फरिश्तों की दुआओं के आप मुस्तहिक बनेंगे, और साथ में जो सुबह के अज़कार हैं वो अज़कार भी पढ़ा करो इंशाअल्लाह ताला। जी नहीं पढ़ते लोग, पढ़ो अल्लाह के लिए। दस दस हजार रुपए एक एक इलाज को लोग लेते हैं, हमारे पास पैसे नहीं, लोग बोलते इलाज कराते कराते पैसे खत्म हो गए हैं। फजर की नमाज के बाद बैठना मेरे भाई, अल्लाह के लिए बैठ, सौ मरतबा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, बाज़ रिवायतों में युही व युमीत भी मौजूद है, सौ मरतबा पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सारी चीजों से तुम्हें पनाह देगा इंशाअल्लाह ताला। ये दूसरी चीज है, फजर की नमाज के साथ साथ क्या करें? अज़कार की पाबंदी करें। अल्लाह हमें पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। कई दुकान वालों को मैं देखता हूं, हाफिज साहब आ जाओ जरा, महीने में 1000 रुपए ले लो, आके दुकान में बैठ के कुरान पढ़ के चले जाओ। हाफिज साहब को बरकत मिली, तुम ना क्या मिली? कुरान कौन पढ़े उनको बरकत मिली है मेरे भाई। और ऐसी भी चीजें देखी गई है, वो तुम्हारी भी बरकत जरा लेके चले जाते कभी कभी साथ में जी, वो पढ़ते पढ़ते तुम्हारी बरकत को भी लेके निकल जाते हैं। तुम पढ़ो कुरान, तुम कुरान पढ़ो सुभान अल्लाह। दूसरी तीसरी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाई है, मैंने हदीस के अंदर भी उसे आपके सामने कह दिया, नजर नहीं लगने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अपनी जबानों पर सीख लो ये लफ्ज, जो छोटे छोटे अल्फाज हैं, बारकल्ला, माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, अल्लाहुम्मा बारिक, ऐसे अल्फाज अपनी मुआशरे में अपनी सोसाइटी के अंदर आम कर दो, इंशाअल्लाह ये खत तक हम नजर से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। तीसरी बात हो गई। चौथी चीज, अगर किसी को नजर लगी है, ये जुमा की भी इंशाअल्लाह आखिरी बात होगी, अल्लाह से दुआ कर मैं जुमा का खुतबा खत्म करूंगा, इसलिए कि हमेशा मेरी अल्लाह से दुआ ये होती है कि मेरे नबी जैसा जुमा का खुतबा देते थे मैं भी वैसे ही जुमा का खुतबा दूं। कम से कम वक्त में
जितना हो सकता है जुमा का खुतबे का जो असल टाइम है एक दो मिनट रहते हुए मैं जुमा का खुतबा खत्म करूं, आज अल्लाह मुझे मौका दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह मुझे मौका दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर जुमा के खुतबे नहीं हो सकते हैं। इसलिए आखिरी बात जो नबी करीम सल्लम ने कहा, इतना करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको शिफा नहीं मिल रही है, हमेशा अकेले में रोने जैसा आता है, परेशानियां आ रही हैं, और कुछ अलामतें उलमा ने बयान फरमाई हैं जो इलाज करते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, अगर इससे नहीं हो रहा है तो नबी करीम सल्लम का यह तरीका है। अगर नजर लगाने वाला मालूम है, याद रखो किसकी नजर लगी है अगर मालूम है, 90% मालूम नहीं होता। अगर मालूम है तो हदीस में तरीका यह है, उससे कहा जाएगा कि तुम गुसल करो या वजू बनाओ, वो पानी लेकर जिसको नजर लगी है उसके ऊपर डाला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये शिफा का एक तरीका है, अल्लाह ने इसमें शिफा रखा है। अल्लाहु अकबर जी, अब किसे मिले उसे पकड़ को, आप आ तो मैं जी गुसल कर मैं ऊपर डाल लेता हूं, ये मत करो कोशिश। मौली साहब आज जुम्मा के खुतबे में बोल डाली, तेरी नजर लगी रहेगा, तेरी नजर लगी रहेगा। आखिरी में तीन चीजें, नजर की तीन किस्में हैं, इसे जहन में रखकर यहां से उठो इंशाअल्लाह ताला। पहली जो नजर लगती है हासिदीन की लगती है, अल्लाह हमें हासिद की नजर से बचाए जी, हासिद की नजर से अल्लाह बचाए। दूसरी किस्म अपने आप की, मां बाप की और अच्छे लोगों की लगती है। अल्लाहु अकबर, अपने आप की नजर खुद को लगती है, याद रखो हमेशा। अभी जो दो सहाबी का मैंने तस्किरा किया, मैं और आप उनके पैर की धूल भी नहीं है, मैं और आप उनके पैरों की धूल भी नहीं है, सहल बिन हुनैफ और आमिर बिन रबिया, ये एक सहाबी की नजर दूसरे सहाबी को लगी है। अल्लाहु अकबर, नेक आदमी की भी नजर लग सकती है, खुद आपको अपने आप की नजर लग सकती है। अल्लाह, क्या करें तब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी अगर ऐसा लगे आपको आज मैं अच्छा दिख रहा हूं, आईने के सामने आप लगता है इंसान को कभी कभी ऐसा मौका आता है कि लगता है कि हां मैं जरा अच्छा हूं, अगर ऐसा महसूस होने लगे अपने आप की नजर नहीं लगने के लिए, सुभान अल्लाह, आईने के सामने जब आप खड़े हो जाएं, आईना देखकर जो दुआ है वो पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा अंत हसन तखलकी फहसन खुलकी, क्या दुआ है। अल्लाहु अकबर, क्या दुआ है ये। अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह ताला, मेरा कोई कमाल नहीं, ये रंग मेरा नहीं है, ये बाल मेरे नहीं हैं, ये कपड़े मेरे नहीं हैं, मेरी क्या हैसियत। अल्लाह, अल्लाहुम्मा अंत हसन तखलकी, अल्लाह तूने मुझे अच्छा बनाया है, क्या लफ्ज़ है, मेरी तखलीक को तूने अच्छा बनाया है, ये शक्ल व सूरत तूने अता की है, ये नाक नक्शा तूने मुझे दिया है। अंत हसन तखलकी फहसन खुलकी, अल्लाह मेरा कैरेक्टर भी अच्छा बना दे, अल्लाह मेरे अखलाक भी अच्छे बना दे। ये दुआएं मांगने से अपने आप को नजर नहीं लगेगी इंशाअल्लाह ताला। ला हौला वला कुव्वता, पढ़ते रहो हमेशा, ला हौला वला कुव्वता, मेरा कुछ नहीं, पूरी ताकत कुव्वत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, अपनी नजर से। और वालिदैन के लिए भी मैं कहूंगा, वालिद की नजर भी लग सकती है, मां की भी नजर लग सकती है। मिंबर रसूल से बोल रहा हूं, ऐसा हांग के उठ के नहीं जा रहा हूं। जी हां, सबकी, इसे बोलते हैं अलाइन मुअजबा, अरबी जबान में किसी की भी लग सकती है, इसलिए दुआओं का जिक्र करें, ये नहीं लगेगी। तीसरी किस्म उलमा बयान करते हैं अलाइन कातिला, ऐसी नजर आदमी कतल भी हो सकता है। अल्लाह से मैं पनाह मांगता हूं, अल्लाह ऐसी नजरों से बचाए। अल्लाह ताला जो तरीके, जो मसनून तरीके नबी ने हमें दिए हैं, अल्लाह उस पर हमें अमल करके जिंदगी और आखिरत को अल्लाह बेहतर बनाने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी जबानों पर ये प्यारे प्यारे जो अल्फाज हैं जिससे नजर नहीं लगती है, अल्लाह वो अल्फाज हमें बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी के अंदर अल्लाह उन अल्फाज को आम फरमा दे। अल्लाह मेरे हर मुसलमान भाई के घर में खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह मेरे हर मुसलमान भाई की तिजारत में अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह हर मुसलमान के जोड़े में अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह हर मुसलमान भाई को अगर नजर लगी है, मैं इस मिंबर रसूल से दुआ करता हूं, अल्लाह उसे नजर बस से नजात अता फरमाए। अल्लाह उसे नजर बस से नजात अता फरमाए। अल्लाह उसके अकीदों की इसलाह फरमाए। अल्लाह उसके अमल की इसलाह फरमाए। अल्लाह जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर बीमार हैं सबके लिए दुआ कर रहा हूं। अलग से आपको चीटी लेकर अलग से करने की जरूरत नहीं, मैं मिंबर से दुआ कर रहा हूं, जितने भी भाई बीमार हैं अल्लाह सबको शिफाए आजिला कामिल अता फरमाए। खासकर इस मस्जिद में जुमा दे रहा हूं, इसलिए इस मस्जिद का अगर कोई मुसल्ली बीमार है, मुसल्लिया बीमार है, बच्चा बच्ची बीमार है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह उसे शिफाए आजिला कामिल अता फरमाए।
बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी है शिर्क की बीमारी। अल्लाह से मैं दुआ गो हूं, अल्लाह हर मुसलमान को शिर्क की बीमारी से बचाए, अल्लाह हर मुसलमान को बिदात की बीमारी से बचाए, अल्लाह हर मुसलमान को दौलत अता फरमाए और वो भी तौहीद की दौलत अता फरमाए, अल्लाह हर मुसलमान को दौलत ईमान अता फरमाए, अल्लाह हर मुसलमान को इत्तिबाए सुन्नत की दौलत अता फरमाए, अल्लाह ऐसे अमल की तौफीक दे जिससे अल्लाह राजी हो, वो नबी के तरीके पर हो, उसमें इखलास भी शामिल हो। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी करीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान मजीद व नफअना व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम वरब्बुन हलीम।